कभी कभी हम फोन में कुछ चला रहे होते हैं और स्क्रीन पे लिखा आता है वार्निंग, आपके फोन में वायरस है, और क्लीन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। दोस्तों अधिकतर फोनों में ये देखने को मिलता है, ये समस्या आती है। ये चीज ज्यादातर जब भी हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं या हम क्रोम ब्राउजर को ओपन करके उसमें कुछ सर्च करके जब देखते हैं तो अधिकतर ये लिखा आ जाता है। तो हम आज इस वीडियो में ये चेक करना सीखेंगे कि हमारे फोन में वायरस है या नहीं है और वायरस आने की क्या पहचान है। अगर हमारे फोन में वायरस आ गया है तो कैसे हम उसे डिलीट करेंगे, यानी मिटाएंगे, खत्म करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं योगेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल माई जी नॉलेज। और दोस्तों, मैंने आपको जिस प्रकार से पता होगा बहुत सारी मोबाइल की प्रॉब्लम्स की वीडियो बनाई हुई है जो आप घर बैठे फ्री में अपने आप से उन प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं जिनके लिए आपको दुकान पे जाना पड़ता था। तो दुकानदारों ने मिलके क्या किया है कि मेरे चैनल को रिपोर्ट किया है, मेरी वीडियोस को रिपोर्ट किया है, जिससे कि मैं आगे इन टॉपिक्स पे वीडियो ना बनाऊं। जो आप घर बैठे फ्री में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो, इन टॉपिक्स पे वीडियो ना बना सकूं। तो दोस्तों, आपको बस थोड़ी सी हेल्प करनी है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है। तो सबसे पहले तो आपने अगर अपने फोन में कोई वायरस क्लीन करने वाला ऐप डाउनलोड कर रखा है, अलग से ऐप डाउनलोड किया है, या फोन क्लीनर डाउनलोड कर रखा है, मतलब कुछ भी बहुत सारे होते हैं अलग से डाउनलोड कर रखे हैं, तो सबसे पहले तो इनको डिलीट कर दो, इनको हटा दो। ये आपके फोन से वायरस तो नहीं हटाएंगे लेकिन आपके फोन का डाटा जरूर चुरा लेंगे, आपकी इंफॉर्मेशन जरूर चुरा लेंगे। देखो, हर स्मार्टफोन का अपना खुद का एंटीवायरस होता है, हमको अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हमको उसे यूज करना ही नहीं आता। लेकिन लेकिन आप चिंता मत करो, आपका भाई आपका दोस्त आपके साथ है। आपका फोन चाहे ओप्पो हो, वीवो हो, एमआई हो, रेडमी हो, सैमसंग हो, वन प्लस हो, कोई भी फोन हो, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फोन का जो जेन्युइन एंटीवायरस है उसको यूज करोगे और अपने फोन में से वायरस को क्लीन करोगे। देखो, सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि जो भी एप्लीकेशन आपके फोन में डाउनलोड है, ऑलरेडी आपने डाउनलोड कर रखी है और उनका आप इस्तेमाल नहीं करते, तो उनको सिंपल सा अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि वैसे भी यूज नहीं कर रहे और वो हमारे फोन में ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ वायरस क्रिएट करती रहती हैं। जब भी आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो उस वेबसाइट पे, उस लिंक पे क्लिक करने से पहले आपको ये चेक कर लेना है कि लिंक के आगे HTTPS ये लिखा होना जरूरी है। और वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, HTTPS तो लिखा हो उसके सामने, उसके बाद लिखा हो xyzcompany.com, ठीक है, ये ठीक है। लेकिन अगर उसमें लिखा हो HTTP खाली और उसके बाद लिखा हुआ है तो उस वेबसाइट पे आपको क्लिक नहीं करना। अगर लिखा हुआ है HTTPS भी लिखा हुआ है लेकिन कंपनी का जो नाम है, जो मेल है, जो उसकी वेबसाइट है, वो कैसी लिखी हुई है, xyz.company.com/- ऐसे करके जो कर रखी है, उन वेबसाइट्स पे भी आपको क्लिक नहीं करना क्योंकि वो हैकर्स की क्रैक वेबसाइट होती है। लेकिन हो सकता है HTTPS वाली साइट्स भी आपका डाटा चुरा लें, आपके फोन को अपने कंट्रोल में ले लें, तो उसके लिए भी आपको एक इम्पॉर्टेंट ये सावधानी रखनी है, ये ध्यान देना है, जब भी आप किसी वेबसाइट पे क्लिक करते हो तो क्लिक करने के पास उसमें एलो और डिनाई का ऑप्शन आता है, बार बार आपको पूछा जाता है एलो डिनाई नोटिफिकेशंस ब्लॉक, ऐसे बार बार पूछता है, तो आप कभी जल्दबाजी में उसको एलो भी कर देते हो, कभी डिनाई भी कर देते हो। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, भूल के भी उसको एलो करना ही नहीं है, आपको डिनाई पे ही क्लिक करना, चाहे 10 बार आए डिनाई पे ही क्लिक करना है, आपको एलो पे क्लिक नहीं करना है। हमेशा आपको अगर कुछ भी अपने गूगल पे सर्च करना है तो आप हमेशा क्रोम ब्राउजर में ही उसको ओपन करके सर्च करें, और क्रोम ब्राउजर है, इसको आपको अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती, हर फोन में बाय डिफॉल्ट ये आता है पीछे से। अगर आपको नहीं पता कि क्रोम ब्राउजर कैसा दिखता है, क्या है, तो यहाँ पे मैं आइकन दिखा देता हूँ आपको, आइकन में देख के आप ये पता लगा लोगे कि ये वाला होता है क्रोम ब्राउजर, और ये हर फोन में बाय डिफॉल्ट होता है, और इसी को ओपन करके आपको कोई भी चीज सर्च करनी है उसी में सर्च करना है। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे मैं आपको 3 सेटिंग बताऊंगा, ये 3 सेटिंग जरूरी से अपने क्रोम ब्राउजर में कर लेना, जिससे कि आपकी जो ये सिक्योरिटी है वो बढ़ जाएगी और उससे आपको जो एलो ब्लॉक वाली जो परमिशन आ रही थी बार बार, वो भी आना बंद हो जाएगी, और जो बेकार की एड्स आती हैं वो भी आना बंद हो जाएंगी। तो आप इस तरीके से मैं सेटिंग बता देता हूँ, ये सेटिंग कर लो आप। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, यहाँ पे हम क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ आपको कोने में ना राइट हैंड साइड में ऊपर 3 डॉट दिखाई देंगी, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद
आपको नीचे ऑप्शन आएगा सेटिंग्स का, हो सकता है आपने कोई टैब खोल रखा हो और आपके में ये थ्री डॉट नहीं आ रही हो, तो कोई और सिंबल आ रहा होगा लेकिन एकदम कोने में आ रहा होगा, कॉर्नर में, राइट हैंड साइड में, तो उस पर आपको क्लिक करोगे तो सेटिंग्स का ऑप्शन खुलेगा और सेटिंग्स के ऑप्शन के बाद आपको जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आपको दूसरे नंबर पे कभी कभी अपडेट होने के बाद, हो सकता है आप ये वीडियो एक साल बाद देख रहे हो, दो साल बाद देख रहे हो, तो हो सकता है आपके में किसी और नंबर पे आ जाए। फिलहाल ये दूसरे नंबर पे जो सेटिंग आ रही है इसमें लिखा हुआ है सेफ ब्राउजिंग, इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद इसमें लिखा हुआ है, बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, नो प्रोटेक्शन, स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन और इनहेंस्ड प्रोटेक्शन, तो इनहेंस्ड जो प्रोटेक्शन है इस पर आपको क्लिक करके रखना है। मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसलिए मेरी जो ब्राउजिंग रहती है वो सेफ रहती है। आपको दूसरी सेटिंग क्या करनी है, बैक आ जाओ। बैक आने के बाद आप आओगे और बैक आने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे साइट सेटिंग का ऑप्शन। साइट सेटिंग के ऑप्शन पे जाओगे आप तो इसमें बहुत सारी सिक्योरिटी की सेटिंग दे रखी है, लेकिन आपको किस पे क्लिक करना है, इसमें आपको मिलेगा पॉपअप एड्स एंड रीडायरेक्ट्स, जो वो पॉपअप एड्स आ जाती है, एलो डेनी मांगती है, अपने आप ऐड आ जाती है, आपके फोन में वायरस है, वार्निंग, ये तरह की, तो इनको आप ब्लॉक करोगे सिंपल सा इस पे क्लिक करके, और इसमें जो लिखा हुआ है पॉपअप्स एंड रीडायरेक्ट्स इसको आप ऑन कर दोगे तो इससे हो गया है अलाउ। तो इसको आपको क्या करना है, बंद करके रखना है, जिससे कि जो वो इस प्रकार की साइट है वो आपके पॉपअप में ना आए, मतलब जो अचानक स्क्रीन पर आ जाती है वो ना आए, ठीक है। अब आपको तीसरी सेटिंग क्या करनी है, तीसरी सेटिंग फिर आपको वापस आ जाना है और इसी में पॉपअप एंड एड्स से नीचे जो नीचे का ऑप्शन है इसमें दे रखा है आपको एड्स का ऑप्शन, तो आपको एड्स पे ओके करना है। एड्स पे ओके करने के बाद आपको देखा दिखेगा ब्लॉक एड्स ऑन साइट्स दैट शो इंटरेस्टिव एंड मिसलीडिंग एड्स, तो इसको आपको ऑन कर देना है। इसके बाद जो आपकी जो एड है, जो मिसलीडिंग एड्स हैं, ये उनको ब्लॉक कर देगा, उसके बाद आपको वो एड दिखाई नहीं देंगे। और मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप हमेशा क्रोम ब्राउजर ही यूज करना, और कभी भी अगर आपको कोई ऐप यानी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो आप गूगल क्रोम से या कहीं और से डाउनलोड मत करना, उसको ओनली प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्ले स्टोर पे जो ऐप्स आती हैं वो वेरीफाइड होके आती हैं, अगर वो वेरीफाइड नहीं भी हैं तो कुछ समय के बाद प्ले स्टोर उनको बाई डिफॉल्ट डिलीट कर देता है। प्ले स्टोर का एल्गोरिथम उसको कुछ समय बाद पहचान लेता है कि ये ऐप हार्मफुल है, ये ठीक नहीं है या फ्रॉड है, धीरे धीरे उनको हटा देता है। तो इसलिए हम कभी भी कहते हैं कि आप अगर एप्लीकेशन कोई डाउनलोड करो तो वो प्ले स्टोर से करो। और फिर भी अगर कभी कभी आपके फोन में अचानक से फोन वाइब्रेट करने लगे और ये लिखा है कि आपके फोन में वायरस है, तो इस कंडीशन में आपको जो स्टेप्स बताए गए हैं उन पे क्लिक आपको नहीं करना है कि इस पे क्लिक करके वायरस हटाना है, वो आपको नहीं करना है। आपको सिंपल सा क्या करना है, अपने होम बटन से उसको वापस आ जाओ, एकदम बैक आ जाओ। बैक की काम नहीं करेगी उसमें, होम की काम करेगी, बैक की से वो वापस ही नहीं होता, तो होम की आपको दबानी है और उसके बाद पीछे बैकग्राउंड में जितना भी खुला हुआ है ऑप्शन की से करके उनको सबको क्लीन कर देना है। ये जो वाइब्रेट करके अचानक से वायरस लिखा आता है, हम पता है गाने डाउनलोड करते हैं, मूवी डाउनलोड करते हैं, कोई फोटो डाउनलोड करते हैं, वेबसाइट्स पे क्लिक करते हैं, मतलब चाहे गाने की हो, चाहे वीडियो की हो, चाहे किसी की चीज़ की हो, और उसमें ये ज़्यादातर ये वाले पॉपअप एड्स ज़्यादा आते हैं। लेकिन कभी कभी तो हम एड्स जो आती हैं फ़ोन में उनसे इतना परेशान हो जाते हैं, हम अपने फ़ोन का नोटिफिकेशन खोलते हैं उसमें भी ऐड आती हैं, हम कुछ चला रहे होते हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ फ़ोन में व्हाट्सएप चला रहे हैं, कहीं से भी स्क्रीन पे ऐड आ जाती है, कोई भी वीडियो चलने लग जाती है, कोई गेम की वीडियो चल गई, कुछ भी, कोई लूडो की वीडियो चल गई, कुछ सट्टेबाजी की वीडियो चल गई, कुछ भी वीडियो अपने आप चलने लग जाती है, किसी भी ऐड आने लग जाती है, होम स्क्रीन पे जाती है। कभी कभी तो इतना तक हो जाता है कि हमारा फ़ोन रखा है स्पेशल सेफ रखा है, उसमें अपने आप ही कोई ऐड चलना चालू हो जाती है। तो अगर आप इस प्रकार की एड्स से परेशान हैं तो कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे बनाऊंगा। तो आपको सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है, सैमसंग कंपनी का मोबाइल है ध्यान रखना, तो आपको सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है इसमें बैटरी एंड डिवाइस केयर के अंदर, इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्टिमाइज नाउ का ऑप्शन आएगा, आपको ऑप्टिमाइज नाउ पे क्लिक करना है, उसके बाद आपका फ़ोन ऑप्टिमाइज हो जाएगा। इसमें सारी चीज़ आपकी दिखा देगा कि वायरस है या नहीं है, ये फलाना सब कुछ चेक कर लेगा वो आपका, ठीक है। उसके बाद डन कर देना है, ये फ़ोन का ये अपना। उसके बाद इसमें एक ऑप्शन है फोर्थ नंबर पे डिवाइस प्रोटेक्शन के नाम से, इस पर आपको क्लिक करना है, तो इसमें लिखा हुआ है नो थ्रेट्स फाउंड, यहाँ पे हो सकता है आपके दिखाए कि इतने वायरस फाउंड, इतने ये फाउंड, तो हो सकता है दिखा दे।
अगर फिर भी आपका स्कैन ना करता हो, ऐसा भी हो सकता है, तो आपको स्कैन फोन का ये जो ऑप्शन है, मैं आपको दिखा देता हूँ, स्कैन फोन का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपकी स्कैनिंग चल जाएगी और स्कैनिंग के बाद ये आपको दिखा देगा आपके फ़ोन में वायरस है या नहीं है। पूरे फ़ोन को स्कैन कर देगा और शो कर देगा वायरस है, तो उसमें फिक्स का ऑप्शन आएगा, उसको हटा देगा। जिन लोगों के पास रियलमी कंपनी का फ़ोन है, जो रियलमी कंपनी का फ़ोन होता है उसके अंदर फ़ोन क्लीनर के नाम से एक ऐप दिया होता बाय डिफ़ॉल्ट रियलमी की तरफ से। तो अगर आपको नहीं पता है या वो आपका डिसेबल हुआ पड़ा है, तो आप जब आइकन्स में जाओगे वहाँ पे सर्च करोगे ऐप को, तो वहाँ आप लिखोगे फ़ोन क्लीनर, तो आपको दिखा देगा कि फ़ोन क्लीनर के नाम से ऐप है, उस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद सेम जैसा इसमें किया था ऐसे ही उसमें दिखा देगा मालवेयर, थ्रीट्स, एंटीवायरस, ये सारी चीज़ आप उसको क्लिक करके वहाँ से आप ऑप्टिमाइज करके सारे वायरस को रिमूव कर देना, और ऑटोमेटिक अपडेट वाले जो वायरस को ऑटोमेटिक अपडेट करता रहे उस पर भी आपको क्लिक कर देनी, ये बात जरूर ध्यान रखना। जिन लोगों के पास Xiaomi, Redmi यानी MI कंपनी का फ़ोन है, आपको क्या करना, आपके फ़ोन में भी अलग से ऐप दिया होता है, आपको भी सेटिंग में जाने की जरूरत नहीं है, सिक्योरिटी के नाम से एक ऐप दिया होता है। आप ऐप्स में जाओगे या तो आप ढूंढ लो मैनुअली, या फिर आप सर्च कर दो जहाँ पे ऐप सर्च करते हैं हमारे फ़ोन में कौन कौन से ऐप हैं, तो वहाँ पे आप सिक्योरिटी लिखोगे तो उसके बाद वो आपको ऐप दिखा देगा, उसमें से भी आपको वायरस क्लीन करने का, ऑटोमेटिक वायरस स्कैन करने का, ऑप्टिमाइज करने का, जंक क्लीन करने का बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, उससे आप क्लीन कर दोगे। तो दोस्तों ज़्यादातर मोबाइल्स में ये तीन ही तरह की सेटिंग होती हैं वायरस को हटाने के लिए, ज़्यादातर मोबाइल्स में आप देखोगे। हो सकता है आपके पास और भी किसी कंपनी का मोबाइल हो जैसे ओप्पो का, वीवो का, तो उनमें भी सेम ही होती हैं। अगर आपको लगता है कि आपको वायरस क्लीन करने का ऐप नहीं मिल रहा है या सेटिंग नहीं मिल रही है, तो आप कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फ़ोन से वायरस को क्लीन करोगे अपने बाय डिफ़ॉल्ट वायरस क्लीनर से, जो आपके फ़ोन में कंपनी देती ही है, ये गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी कर दिया है, हर फ़ोन में रहता है। कुछ कंपनियां उस वायरस एंटीवायरस को छुपा के रखती हैं जिससे कि कस्टमर अलग से परचेज करे और उससे उनका बेनिफिट हो, कंपनियों को भी कमीशन जाता है। और अगर आपके फ़ोन में बाय चांस वायरस क्लीनर दिया ही नहीं है, पीछे से आया ही नहीं है, कंपनी ने दिया भी नहीं है, या ब्लॉक हो गया किसी कारण से, वो ख़त्म हो गया, तो एक फाइल्स बाई गूगल के नाम से एक ऐप आता है प्ले स्टोर से ही, वो आपको डाउनलोड करना है, उसमें ऑप्शन होते हैं सारे क्लीन करने के। तो जिनके फ़ोन में नहीं है, ज़्यादातर तो सबके फ़ोन में होगा, अगर नहीं भी है तो आपको फाइल्स बाई गूगल, याद रखना फाइल्स बाई गूगल नाम से ऐप आएगा, उसको डाउनलोड करना, मैं आपको दिखा भी दूंगा इस तरीके का ऐप है, उससे आप वायरस को क्लीन करना, सेम सारे ऑप्शन उसमें आएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने इस वीडियो में कुछ टॉपिक कवर नहीं करे हैं, आपकी अगर कोई और समस्या है और आप चाहते हो कि उस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, तो आप कमेंट करना, जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रॉब्लम के साथ और उसके समाधान के साथ।